जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कहते हैं ना कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो जो मेहनत आप सभी ने और जो मेहनत हमने यानी कि उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी ने, जो मेहनत खुद मैंने जो 12-12 घंटे की क्लासें लगाई थी, वो क्लासें कभी व्यर्थ नहीं गई। और जो मेहनत मैंने आपके साथ एक महीने लगातार किया, वो मेहनत भी जो है व्यर्थ नहीं गया। और आज मैं एक प्रूफ के साथ कि आप लोगों ने जो पूरा मेहनत किया, जो मैंने मेहनत किया, वो पूरा एनडीए का पेपर कैसे फंसा दिया है, और पूरा का पूरा एनडीए का पेपर एज इट इज जो हमने पढ़ाया था, एज इट इज सेम टू सेम जो है क्वेश्चंस आपके आए हैं। और जिन्होंने 12 घंटे की मैराथन और वन शॉट क्लास ली थी, वो फिजिक्स में पूरे करके आए होंगे, एक क्वेश्चन को छोड़ के। एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, तो उसको छोड़ के सभी बच्चों ने, सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और उसी को मैं आज विद प्रूफ दिखाऊंगा कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया वही जो है आपके पेपर में आया, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे तो पहला एक क्वेश्चन था वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी में निरूपित करता है, तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा। यानी आप सभी जानते हो कि ये इक्वेशन कब होता है, जब आपका एक्सीलेशन कॉन्स्टेंट है। और एक्सीलेशन कॉन्स्टेंट पर आप सभी को पता है कि एक्सीलेशन जब कांस्टेंट है, यानी एक समान अगर धनात्मक त्वरण है, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। और ये ग्राफ साफ साफ मैंने बताया था, और यही आपको ग्राफ यहां पर टिक करना था, डी आंसर इसका कर देना था, ठीक है। इसके अलावा यहां पर मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन कराया, मैराथन में कराया, वन शॉट में कराया, ये क्वेश्चन हर जगह जो है मैंने आपको कराया था कि साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती है, एनर्जी के आधार पर आपको मैंने बताया था प्रोग्रेसिव है, वाइब्रेशन के आधार पर लॉन्गिट्यूडनल है, और यानी कि अनुदैर्ध्य है, और मैंने माध्यम के आधार पर बताया था मैकेनिकल है। और वहां से साफ मैंने यहां पर आपको ये क्वेश्चन कराया है, एज इट इज ये क्वेश्चन यहां पर आ गया, और यहां पर आप लोग जो है यह सही कर देते। सेम एज इट इज इसी इक्वेशन पर आपको ये न्यूमेरिकल करना था, और इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने कई बार कराए हैं, मतलब कम से कम 2 से 3 बार मैंने सेम इस टाइप के न्यूमेरिकल कराए थे। और मैंने बोला था कि डायरेक्टली यहां से अगर पूछेगा तो आप इस इक्वेशन को लगा के तुरंत जो है क्वेश्चन को कर सकते थे। इसके बाद ये साफ साफ मैंने बताया था कि पोलराइजेशन तब होगा जब आपकी वेव्स कैसी हो, ट्रांसवर्स। और यहां से पूछा है कि अनुप्रस्थ तरंग, मतलब लाइट जो है अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी पहचान क्या है, ध्रुवण है, पोलराइजेशन है ना, क्या है, पोलराइजेशन। ये एज इट इज क्वेश्चन, देखो सेम यही इक्वेशन, बस यहां पर क्या कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया और कुछ नहीं। सेम यहां पर जब ये प्लस की जगह माइनस कर दिया तो यहां एमजी की जगह माइनस एमजी। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको मैराथन में कराया है, जो मेहनत आपके साथ 12 घंटे की थी वो मेहनत एक सार्थक मेहनत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ठीक है, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो प्रेशर के लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि अगर एरिया कम होगी तो प्रेशर ज्यादा। और इसमें केवल आपको एरिया निकाल के, एरिया अगर निकाल लेते तीनों का तो ये डायरेक्टली आपको देख लेते, यहां से प्रेशर आपका ये हो जाता है ना। सेम एज इट इज आपका एवरेज डिस्टेंस के लिए, औसत चाल के लिए मैंने आपको पूरा फॉर्मूला 50 बार बताए थे, और इस पर कम से कम बता रहा हूं 7 से 8 क्वेश्चन मैंने कराया है, कम से कम सेम इसी पैटर्न पर मैंने आपको कराया था। यहां पर पावर का मैंने कई बार ह्यूमन आई से मैंने कई बार क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, ठीक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको क्या है, आपको जब मैंने वन शॉट की सेशन कराई है ऑप्टिक्स की, एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने आपको उसमें कराया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से, और मैंने बोला भी था कि बेटा यहां से क्वेश्चन आता है, जो मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी उसमें से भी। और देखो एज इट इज जो है वीडियोज आपके सेम टू सेम जो है वही मिल भी रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये अगर देखोगे, ये आपका ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ पर मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए, अभी मैं खोज भी रहा था, ठीक है, तो थोड़ी सी समय के अभाव के चलते मैं आपको ये नहीं मिल पाया स्क्रीनशॉट इसका, लेकिन हाँ ओम्स लॉ पे मैंने कम से कम 12 घंटे की मैराथन में, 12 आवर्स वाली मैराथन में ही मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस कराए थे, और सेम एज इट इज क्वेश्चन कराया था मैंने, केवल डाटा चेंज है इसमें, और सेम एज इट इज क्वेश्चन यहां पर भी आपका आया हुआ है। ये मैंने एक दिन पहले क्लास ली थी आपके एग्जाम के, यानी 2 सितंबर, ये शाम को 7 बजे वाली क्लास की ये स्क्रीनशॉट है, जब मैंने आपको डांटा था इस बात के लिए
कि आप लोगों से मैंने पूछा था कि हीटिंग इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, जैसे प्रेस, जैसे हीटर, गीजर, इन सब का कॉयल किससे बना होता है। आप लोग को समय भी दिया था मैंने 1-2 मिनट का, आप लोग नहीं बता रहे थे। तब मैंने बोला था कि ये याद रखना कि ये जो है निक्रोम का यूज होता है, बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का यूज होता है। क्यों? क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है अधिक होती है। ये सारा कुछ जो है मैंने आपको एज इट इज बताया है, और यही पूछ दिया था आपका कि इस्त्री में, मतलब ये जो हीटिंग इक्विपमेंट है इसमें इसका जो बनता है, जो आपका इसका कॉयल बनता है वो किससे बनता है, तो आपको टिक करना था कि आपके जो है नाइक्रोम से बनता है। हाइट वाले क्वेश्चन मैंने 2 बार कराया है, एक ये 12 घंटे की मैराथन में भी कराया है, और सेम एज इट इज ये क्वेश्चन जो है मैंने वन शॉट में कराया है। वन शॉट और 12 घंटे की मैराथन दोनों में जो है आपके क्वेश्चंस ये वाले कराए थे कि कभी भी मिरर का हाइट पूछ दे तो याद रखना जो आपकी हाइट होगी, अगर आपकी हाइट एच है तो मिरर की हाइट एच बाई टू हो जाएगी, तो इसमें एच बाई टू कर देना था और ये आपका आंसर हो जाता। सेम एज इट इज देख लो, ये सारे के सारे प्रूफ आपको यहां पर मिल रहे हैं। और इस रेजिस्टेंस से तो मैंने हजारों बार क्वेश्चन कराए हैं, कम से कम बता रहा हूं 8 से 10 बार ऐसे जो है मैंने क्वेश्चन कराया है, और बहुत ज्यादा फोर्स देके जो है मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। तो ये पूरा अगर देखोगे तो पूरा का पूरा पेपर जो है आपके पिछले केवल 20-25 दिन क्लासेज लगी होंगी और उसमें से इतना सारा हो गया है। तो अगर आप सभी लोग पूरे तरीके से उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के साथ मेहनत करोगे, मेरी क्लासेस के साथ जुड़ोगे, तो पक्का है कि आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, ये सभी पार जरूर लगेगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं। और जब मेहनत से कोई काम होता है ना तो वो सफल जरूर होती है, एक सच्ची मेहनत जो है ना वो सफल जरूर करती है। तो ये था 12 घंटे वाली क्लास का रिजल्ट, और वही रिजल्ट मैंने आपको सामने रखना था जो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर 12 घंटे आपने मेरे साथ मेहनत किया है तो उसका परिणाम तो आपको पेपर में मिल ही गया। जो बच्चे नहीं किए हैं उनको दिख जाए कि आगे जब भी 12 घंटे या जब भी आपके YouTube पर जो या फिर ऐप पे जो भी स्पेशल क्लासेज है उनमें जो है मेहनत करना है, जुड़ना है, पढ़ना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में मेरी एक क्लास का प्रदर्शन जो अभी 20 दिन आपने लगातार लिया था। तो ऐसे ही शानदार चीजों के लिए अगर आप अगले एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एनडीए का 100 बैच, ठीक है, एनडीए का 100 बैच आ चुका है, एनडीए का 100 बैच जो है वो आ चुका है। ये हमारी ऑफलाइन क्लास आ रही है 11 सितंबर सुबह 7:30 बजे से, बाइलिंगुअल चलने वाली है, और ये आपका ऑफलाइन रातानाड़ा जोधपुर में चलेगा। सेम इसी का ऑनलाइन बैच भी है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जो कि उत्कर्ष ऐप पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार हमारी जो पूरी फैकल्टी है वो आपको इसमें तैयार करेगी, और वो भी क्लासेज आपकी 11 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी लाइव फ्रॉम क्लासरूम, यानी जो ऑफलाइन में क्लास चल रहा है सेम एज इट इज वो क्लास आपको ऑनलाइन मिलने वाला है। तो तगड़े तरीके से अपनी तैयारी को करिए, पूरी आपकी जो है ये बैचेज जो है 100 बैच ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। जब आप 20 दिन हमारे साथ मेहनत करते हो तो इतना क्वेश्चन आता है, तो सोचो कि आप हमारे साथ 6 मंथ अगर एनडीए की तैयारी करते हैं तो एक एक क्वेश्चन जो है आपको वहीं से आने वाला है, बस बसरते इतना है कि आपको भी वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो था उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का प्रदर्शन, और 12 घंटे वाली क्लास की मेहनत आपकी, उसके बाद की जो मैराथन वन शॉट की मेहनत ये आपके सामने है, और आगे भी एनडीए की जल्दी क्लासेज और भी स्टार्ट होंगी, तो आप लोग जो है ऐसा ही प्यार दीजिएगा, और इसमें 11 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।